What's up my YouTube family, welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत खुश होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे. एंड मैं दुआ भी करता हूँ कि आप सब खुश रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो और ऐसे ही मेरी वीडियो को देख के इंजॉय करते रहो एंड सपोर्ट करते रहो. तो जी हाँ, मैं आप सबके लिए फिर से एक बॉलीवुड की नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ. इवन एक अपडेट नहीं है, आप सबके लिए दो दो इम्पोर्टेंट अपडेट है बॉलीवुड से रिलेटेड. क्या बात है सर, क्या बात है सर. जैसे कि मैंने आप सबको बोल रखा है कि जो भी अपडेट्स आएंगी वो अपडेट से मैं आप सबको आगाह करता रहूंगा. तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं आप सबके लिए नई नई वीडियो जो भी बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और आप लोग सडनली वीडियो देख सको एंड अपडेट जो है उससे आगा रहो. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. जवान गदर 2 को पीछे छोड़ चुकी है डोमेस्टिक जो कलेक्शन है उसमें. एंड इससे पहले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि जवान बेलगाम हो चुकी है, जवान की लगाम किसी के हाथ में नहीं है और जवान पता नहीं जाके कहाँ पे रुकेगी किसी को नहीं मालूम है. तो अभी तक जवान जो बेलगाम चली रही है एंड प्रिडिक्शन लोगों की ये बता रही है कि जवान जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे 600 करोड़ के समथिंग कमा सकती है. एंड अभी जो थर्ड वीक जो होगा उसका जवान का उसमें वो 600 करोड़ कमा सकती है, ये लोगों की प्रिडिक्शन है. एंड आई होप कि प्रिडिक्शन जितनी है वो सब बढ़िया हो एंड और ज़्यादा कमाए. गदर 2 को पीछे फाइनली छोड़ चुकी है जवान डोमेस्टिक लेवल पे. एंड सेकंड अपडेट जो है जिसके लिए मैं भी बहुत बेसब्र हूँ आपको बताने के लिए, आइए देखते हैं दर्शन मजाएगा. सबसे पहले मैं बताऊं कि आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल पे क्या लिखा है. तो जी हाँ, थंबनेल पे जो आप लोगों ने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है. टाइगर 3 का जो टीजर है फाइनली आने वाला है. डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है और मुझे जो अंदर से खबर आई है कि जो टाइगर 3 का टीजर है वो कभी भी आ सकता है. एंड डेट उसकी रिलीज मतलब अनाउंस नहीं की गई है कि कब आएगी, मगर वो कभी भी ऐसे ही सडनली अचानक से आ सकता है. तो मैं आप सब तक ये अपडेट इसलिए पहुंचाना ज़रूरी था कि आप सबको पता हो कि टाइगर 3 का फाइनली जो टीज़र है वो आने वाला है, कभी भी आ सकता है. तो थोड़ा सतर्क रहें एंड आने से पहले जो भी इसके बारे में नई अपडेट्स आती हैं वो मैं आप सब तक बिल्कुल पहुँचाऊँगा. एंड बॉलीवुड की थोड़ा सा जो अभी चटपटी सी खबर जो चल रही है जिनमें मैं आपको बता दूं कि क्या चल रहा है बॉलीवुड में. अभी तक क्या हुआ है कि बहुत सारे टाइम बहुत मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा है कि कोई बहुत बड़ी मूवीज़ बॉलीवुड ने नहीं दी थी. बात तो सही है. शाहरुख खान ने इससे पहले पठान दिया, पठान ने भी बहुत धूम मचाया है भाई. एंड जवान दिया, जवान ने भी जवान तो अभी तक धूम मचा ही रही है. तो इसको देखते हुए शाहरुख खान ने तो अपना धमाका दिखाई दिया है. एंड नेक्स्ट जो उनकी अपकमिंग मूवी है डंकी ने तो भाई पहले से आने से पहले ही आतंक मचा रखा है. एंड इस जवान को और पठान को देखते हुए जो हमारे इंडस्ट्री के बॉलीवुड के जो दो और किंग हैं वो सोए हुए थे अभी तक, वो भी नींद से जाग चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान और आमिर खान की. ये जो हैं ये लोग भी बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव हो चुके हैं. एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टाइगर 3 है उसमें सलमान खान ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया है अपना, उसके लिए अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्म किया है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है इस मूवी के लिए. बिकॉज़ उन्होंने देखा कि शाहरुख खान ने जवान में और पठान में बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाया, कंसंट्रेशन के साथ काम किया. तो जो लोगों का वो है पब्लिक की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिला, मूवी सुपर डुपर हिट हुई. तो इन दोनों खान ने भी सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें, क्योंकि आमिर खान की भी अभी आप देख रहे हो कि दो फिल्में, आमिर खान तो काफ़ी टाइम के बाद एक साल दो साल में एक मूवी लाते हैं एंड इवन ऐसा भी हुआ है कि तीन तीन साल में एक मूवी लाए हैं. तो दो बार से ऐसा हो रहा है कि आमिर खान की जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप रही है. तो आमिर खान को भी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा जो इंस्पिरेशन है वो मिला है आमिर खान, शाहरुख खान से, किंग खान से हमारे.
एंड इन लोगों ने भी एक चीज़ सीख ली है कि अपनी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एफर्ट अच्छा लगाना पड़ेगा और जो मूवी है उसका जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये लोग, ये दोनों खान भी एक्टिव हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। एंड फाइनली सलमान खान की तो मूवी टाइगर 3 आ ही रही है। आमिर खान का अभी नहीं पता है कि आमिर खान की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है कि आमिर खान कौन सी मूवी अभी लाने वाले हैं। जैसे जो भी अपडेट इन लोगों से भी रिलेटेड आती है मैं आप सब तक बिल्कुल पहुंचाता रहूंगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, ताकि मैं आप सबके लिए नई नई अपडेट्स लेके आता रहूँ। तो अपनी मेरी वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका आपका ओपिनियन है प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ जो मैं अपडेट्स दे रहा हूँ उससे आप लोग इंजॉय कर पा रहे हो। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, जैसे नई अपडेट्स आती हैं मैं आप सबके लिए बिल्कुल लेके हाजिर होऊंगा और आप तक उस अपडेट को पहुंचाऊंगा। अभी तक की ये जो बॉलीवुड की मुझे खबर मिली है वो मैंने आप सबको बता दी है कि टाइगर 3 का जो टीज़र है वो फाइनली आने वाला है। कब आने वाला है ये नहीं पता है, डेट अनाउंस नहीं की गई है। जैसे कुछ और अपडेट आती है इन सब से रिलेटेड मैं आप सब तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें एंड चैनल को चेकआउट करें, एंड बहुत सारी वीडियोस हैं उसको भी इंजॉय करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इन सब चीज़ों से अपडेट मिलती रहे और वो भी इंजॉय करते रहें, और बॉलीवुड से जितनी भी नई नई अपडेट हैं उनको भी पता होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को देखते रहें, इंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।